गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इम्प्रेशन देखिए इससे पहले की वीडियो में हमने दो वेक्टर के एडिशन का ज्योमेट्रिकल मेथड बताया था और उसके अंदर हमने ये बताया था कि रिजल्टेंट को हम किस तरह से निकालते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं आज की वीडियो के अंदर हम मैथमेटिकल मैथड बताने वाले हैं जिसको हम लॉ ऑफ पैलोग्राम भी कहते हैं यानी मैथमेटिकल मैथड मैथमेटिकल मेथड और लॉ ऑफ पैरलोग्राम लॉ ऑफ पैरलोग्राम ऑफ टू वेक्टर एडिशन यानी आज की वीडियो में हम आपको दो वेक्टर के ऐड करने का मैथमेटिकल वे यानी के लॉ ऑफ पैलोग्राम समझाने वाले हैं देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं सपोज दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज क्यू वेक्टर एंड दिस टू वेक्टर आर इंक्लाइन एट एन एंगल एल्फा यानी हमारे पास दो वेक्टर हैं एक वेक्टर पी है एक वेक्टर क्यू है और दोनों वेक्टर एक दूसरे से अल्फा एंगल पर इंक्लाइन है और दोनों वेक्टर कैसे हैं लाइक क्योंकि लाइक वेक्टर को ही जोड़ा जा सकता है अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं और उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक पैरलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें सपोज ये पी वेक्टर है इसको हमने पैलोग्राम की एक साइड बनाई दिस इज पी वेक्टर, यह क्यू वेक्टर है और अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है अब देखिए इससे हमने पैलोग्राम कंप्लीट किया देखिए पैलोग्राम क्या होता है जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरल यानी आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के पैरल भी होती हैं और इक्वल भी होती है तो अगर दो वैक्टर्स को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पैलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि यानी कि इस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है उतनी ही लंबाई की ये साइड है इसी तरह से इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इस साइड की उतनी ही लेंथ है तो अगर किसी पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं और उनको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक पैलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो पैलोग्राम के उस डायगोनल से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है जो उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है सपोज ये आर है ठीक है और मान लीजिए ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये यहाँ से थीटा एंगल बनाता है तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई भाई लॉफ पैलोग्राम क्या है कि अगर किसी पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं दो वेक्टर लगे हैं और दोनों वेक्टर कैसे हैं लाइक हैं और उनको हम एक पैलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो पैलोग्राम के उस डायगोनल से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है ठीक है अब इसके लिए हम एक मैथमेटिकल फार्मूला निकालेंगे देखिए पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है तो आर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आर थीटा होगा आर थीटा। तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे या दो दोनों वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के बराबर होगा अब देखिए ये जो वेक्टर है तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है तो आर कॉसा इज इक्वल टू पी प्लस अब देखिए इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा क्यू कॉज एल्फा प्लस क्यू कॉज एल्फ़ा यानी क्या मतलब हुआ कि रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एलियब्रिक सम के बराबर होगा अब ये वेक्टर तो हॉरिजॉन्टल है ही और इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा क्यू कॉज एल्फ़ा हमने आपको बताया था कि जिधर एंगल होता है उधर कॉज लाते हैं और दूसरी वर्टिकल डायरेक्शन में साइन लाते हैं इसी तरह से रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर साइन थीटा अब आर साइन थीटा टू क्या हो जाएगा क्यू साइन q साइन एल्फा अब देखिए पी का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि पी जो है वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं दिस इज इस आर स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉज एल्फा होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा ठीक है दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया अब देखिए इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन क्या बचा दिस इज कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अब देखिए इस होल स्क्वायर को हम खोलेंगे क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस टू पी क्यू कॉस एल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वही फॉर्मूला यहाँ हमने लगाया है प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अब देखिए आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर सीटा प्लस साइन स्क्वायर सीटा हमने टिक्नोमेटिक इंट्रोडक्शन में बताया था दिस इज इक्वल टू वन ये वन हो गया इज इक्वल टू अब देखिए ये हुआ आपका पी स्क्वायर प्लस अब देखिए इन दोनों में से हमने क्यू स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्यू स्क्वायर इज इस कॉमन क्या बचा कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस टू पी क्यू टू पी क्यू कॉस एल्फा अब देखिए कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा दिस इज इक्वल टू वन सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वन प्लस टू पी क्यू कॉस एल्फा अब देखिए अगर हम चाहें तो इससे यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा तो आर इज इक्वल टू अंडरवुड क्या हुआ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉज एल्फा अब देखिए ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया इसका मतलब क्या है कि अगर हमें दो वेक्टर मालूम हैं उनके बीच का एंगल मालूम है तो हम बड़े आसानी से उनके रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं और ये रिजल्टेंट का क्या है मैग्नीट्यूड ठीक है अब अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है एंगल निकालना तो अब हम क्या करें देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए आर साइन थीटा को आर थीटा से डिवाइड कर दें आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस्ट थीटा आर साइन थीटा की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है क्यू साइन एल्फा क्यू साइन एल्फा अपॉन आर कॉस्टेडा की वैल्यू कितनी है आर कॉस्टेडा की वैल्यू पी प्लस क्यू कॉज एल्फा पी प्लस क्यू कॉज एल्फा अब देखिए यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा बटे थीटा टेन थीटा होता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉज एल्फा इस तरह से ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फार्मूला आ गया ठीक है ये लॉ ऑफ पैलोग्राम प्रूफ हो जाता है इंपॉर्टेंट है इलेवेंथ में पूछा भी जाता है एग्जाम में देखिए फिर से समझ लें एक बार लॉ ऑफ पैलोग्राम क्या है कि अगर किसी पॉइंट पर दो लाइक वैक्टर काम कर रहे हैं दोनों फोर्स हैं या दोनों वेलोसिटी हैं या दोनों एक्सीलरेशन हैं कैसे होने चाहिए दोनों लाइक तो अगर किसी पॉइंट पर दो लाइक वेक्टर काम कर रहे हैं और उन वेक्टर्स को हम मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में किसी पैलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें मैग्नीट्यूड का मतलब यानी कि इस पैलोग्राम की जो साइड है इसकी जो लंबाई है वही पी का मैग्नीट्यूड है क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जो क्यू की लंबाई है वही इसका मैग्नीट्यूड है ठीक है और यह उनकी डायरेक्शन है तो अगर किसी पॉइंट पर दो लाइक वेक्टर काम कर रहे हैं उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पैलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें तो उनका जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैलोग्राम के उस डायगनल से रिप्रेजेंट किया जाता है जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है ठीक है दिस इज आर अब देखिए कैसे किया हमने कि रिजल्टेंट आर है तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एलिब्रिक सम के बराबर होगा आरकॉस्टा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉज एल्फा इसी तरह से रिजल्टेंट का बल्टिकल कंपोनेंट क्या होगा आर साइन थीटा और आर साइन थीटा का के बराबर हो जाएगा क्यू साइन एल्फा क्योंकि P का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा तो हमारे पास R cos आरकोस्टिटा भी आ गया R sin थीटा भी आ गया दोनों को स्क्वायर करके हमने ऐड कर लिया यहाँ से हमने R इसकी वैल्यू निकाल ली तो R बराबर क्या आया हमारे पास अंडरवुड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉज एल्फा अब अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट टेंट कितना एंगल बना रहा है यानी कि थीटा निकालना है तो हमने क्या करा आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो दिस इज़ क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस एल्फा तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम रिजल्ट टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं तो ये दो वैक्टर के एडिशन का क्या कहलाता है मैथमेटिकल मेथड जिसको हम लॉ ऑफ पैलोग्राम भी कहते हैं आप देखिए इसके बेस पर हम आपको एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं पी और क्यू ठीक है और उनके मॉड जो है उनके मॉड का सम फोर है इफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एट यानी दो वेक्टर के मॉट का सम एट है और उनका रिजल्टेंट आर फोर है एट यूनिट फोर यूनिट और रिजल्टेंट जो है वो एक वेक्टर के साथ राइट right एंगल बनाता है यानी कि रिजल्टेंट आर जो है सपोज ये पी वेक्टर है ये क्यू वेक्टर है और रिजल्टेंट जो है आर वो पी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो हमें पी मॉड और क्यू मॉड ये दोनों इंडिविजुअल निकालने हैं भाई समझ में आई बात हमारे पास दो वेक्टर हैं पी और क्यू उनके मॉड का सम या मैग्नीट्यूड का सम कितना है एट है और उनका रिजल्टेंट फोर है फोर यूनिट है और रिजल्टेंट जो है वो पी के साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाता है तो हमें क्या निकालना है पी और क्यू के इंडिविजुअल मॉड निकालने हैं देखिए हम पहले लेकर चल रहे हैं लॉ ऑफ पेलोग्राम से आर स्क्वायर इज इस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस एल्फा अब देखिए जो हमारे पास रिजल्टेंट है उसका मैग्नीटूड कितना है फोर है फोर फोर सिक्सटीन दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस एल्फा इक्वेशन नंबर वन अब देखिए रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फार्मूला लगाएंगे थीटा प्लस क्यूज एल्फा अब देखिए यहां थीटा कितना है 90 डिग्री दिस इज नाइन्टी तो टेन 90 इज इक्वल टू क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोज एल्फा देखिए टेन नाइन्टी नॉट डिफाइंड होता है नॉट डिफाइंड का मतलब होता है वन बाई ज़ीरो वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू क्यू साइन एल्फ़ा अपॉन पी प्लस क्यू कोज एल्फा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे पी प्लस क्यू कोज एल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से देखिए हम कॉज एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कॉज एल्फा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू ये देखिए हमारे पास कॉज एल्फा की वैल्यू आ जाती है इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे देखिए हमारे पास क्या है सिक्सटीन इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू और कॉज एल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन q कैंसिल तो सिक्सटीन इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का टू पी स्क्वायर अब देखिए ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस का टू पी स्क्वायर है प्लस का एक पी स्क्वायर है तो माइनस का पी स्क्वायर बच जाएगा इसके फैक्टर निकाल लेंगे दिस इज q प्लस पी एंड q माइनस पी अब देखिए ये सिक्सटीन चल रहा है हमारे पास तो सिक्सटीन इज वल टू पी प्लस क्यू जो है ये हमें दे रखा है कितना है पी प्लस क्यू एट के बराबर है दिस इज एट एट इन टू क्यू माइनस पी आठ से इसको हम दो बार काट लेंगे दिस इज़ क्यू माइनस पी इज इक्ल टू टू अब देखिए क्यू माइनस पी हमारे पास टू है और क्यू प्लस पी हमारे पास एट है इन दोनों इक्वेशन्स को जोड़ देंगे क्यू प्लस पी इज इक्ल टू एट क्यू माइनस पी इज इक्ल टू टू दोनों को ऐड किया पी से पी कैंसिल टू क्यू इज इक्वल टू टेन क्यू इज इक्ल टू फाइव एक वेक्टर हमारे पास कितना गया फाइव यूनिट अब उसके बाद देखिए पी प्लस क्यू हमारे पास एट है तो फाइव प्लस पी इज इक्ल टू एट तो पी बराबर एट माइनस फाइव दिस इज थ्री P इज इक्वल टू थ्री यूनिट तो इस तरह से दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाते हैं यह क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है अब देखिए अब हम आपको यह बता रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी और दोनों कैसे हैं यूनिट वेक्टर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए कैप एंड बी कैप आर द टू यूनिट वेक्टर। देखिए जिनके ऊपर कैप लगाया जाता है वो यूनिट वेक्टर होते हैं तो ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर हैं और एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं हमें ये प्रूव करना है कि ए कैप माइनस बी कैप का होल बॉन्ड इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू होता है दो वेक्टर हैं कैप बी कैप दोनों कैसे हैं यूनिट वेक्टर, उनके डिफरेंस का मॉड हमें बराबर प्रूफ करना है थीटा टू साइन देखिए कैसे करें देखिए हम इसको एक दूसरे तरीके से लेकर चलते हैं ए कैप माइनस बी कैप का होल मॉड हमें टू साइन थीटा बाई टू लाना है तो अब हम ले लेकर चल रहे ले हैं कि एक कैप माइनस बी कैप के मॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कैप के मॉट का स्क्वायर प्लस बी कैप के मॉट का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए कैप डॉट बी कैप अब देखिए क्या हो जाएगा किसी यूनिट वेक्टर के मॉट का मॉट जो होता है वन होता है तो दिस इज वन प्लस वन माइनस टू इसे हम खोलेंगे क्या आएगा ए कैप का मॉड बी कैप का मॉड इंटू कॉस थीटा दिस इज टू माइनस टू ए कैप का मॉड वन बी कैप का मॉड वन वन इंटू वन दिस इज कॉस थीटा टू कॉमन निकालेंगे दिस इज वन माइनस कॉस थीटा टू दिस इज वन माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू दिस इज टू वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू वन से वन कैंसिल तो ए कैप माइनस बी कैप का होल मॉड का स्क्वायर इधर पलटू कितना हो गया फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू दोनों तरफ रूट लेंगे ए कैप माइनस बी कैप का होल इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू प्रूफ हो गया देखिए तो देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इसके बाद अब आपको वेक्टर का एडिशन और बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं वेक्टर में तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू